Today, we have a very special guest with us, Faisal Akhtar. Faisal has been a cornerstone of cricket in the USA for the past two decades and is also a renowned singer, Pakistani singer. He's been involved with, you know, club cricket here from the grassroots for a long while and understands the US cricket, Pakistan cricket, and, you know, what's needed here to grow the game. We're going to discuss today, you know, the T20 World Cup as it's happening, you know, state of the game here in the US, impact of Major League Cricket and Pakistan's performance in this tournament, also USA's performance. I'm going to bring Faisal Bhai on board. Faisal Bhai, thank you for joining me on the pod. Thanks for having me. Kal se to behtar hu. Kal main bilkul humanity se alag ho gaya tha. Kal main bilkul apne aap ko maine ghilaf ke andar dal ke. Yesterday was not a good day, but alhamdulillah aaj bahut behtar hu, zinda hu. और देखते हैं कल कोई अच्छी खबर देगा पाकिस्तान तो और बेहतर हो जाएंगे. यू नेवर नो यार, कल हम सभी ऐसा फील कर रहे थे, सबने बंद कर लिया था मुंह. 119 चेज नहीं हुआ पाकिस्तान से. क्या समझते हैं फैसल भाई, क्या हुआ कल की गेम में? बॉलिंग अच्छी कराई, यू नो बॉलिंग वाज ऑन द मनी, लेकिन इजी चेज ऑन द कमीन. पिच थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन फिर भी 119-120 अगेंस्ट इंडिया इन द वर्ल्ड कप, यू वुड एक्सपेक्ट देम टू चेस इट. सबसे पहले जो आपको एडमिट करना चाहिए, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू योर अपोनेंट, राइट? इंडिया की टीम कोई बच्चा टीम नहीं है. उन्होंने, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, एंड यू नो दे डिडंट हैव मेनी रन्स, बट दे हैड अ प्लान, यू नो. सेकेंडली, वहां की विकेट भी आपने देखा होगा, तो थोड़ा बहुत वो फैक्टर है. इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, बट मेरे ख्याल से हमारे बैट्समैन जो थे वो बहुत ही टिमिड वे में खेले. दे वर वेरी टिमिड. आई एम नॉट श्योर व्हाई. दे शुड हैव कम इन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड प्लेड नेचुरल. अब बीच में बहुत ही रुक गए थे, तो ये तो आई एम श्योर हमारे जो कोचेज हैं और एनालिस्ट हैं उन्होंने तो खुद भी तजिया किया होगा. बट एज अ फैन एंड एज समबडी हू प्लेड क्रिकेट इन कैप्टन साइड्स एंड ऑल दैट, इन माय ओपिनियन हमको थोड़ा माहौल चेंज करना चाहिए था बीच में. जब चीजें स्लो हो गई थी तो लाइक समबडी अ पिंच हिटर लाइक शाहीन या नसीम को बीच में डाल के ना कुछ माहौल चेंज करते. बट एनीवे, जो हुआ सो हुआ. नहीं, वो तो बिल्कुल है, लेकिन ये मिडिल ऑर्डर बहुत टाइम से ही लैक करता हुआ आ रहा है फैसल भाई. मिडिल ऑर्डर इज एसेंशियली बी नॉन एग्जिस्टेंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ऑब्वियसली भी बाबर रिजवान ने नंबर छोड़ना नहीं चाहते, ओपन भी करनी है, तीन पे भी खेलना है, यू नो. सो मेरे लिहाज से जहां से मैं देखता हूँ इन लड़कों के जो नंबर्स एंड पर्टिकुलर जो आपके मेन स्टे हैं टीम में, बाबर एंड रिजवान, ये चार और छह पे क्यों नहीं बैट करते फॉर एग्जांपल, राइट? क्योंकि आपके पास बेटर प्लेयर्स हैं और ऐसे अग्रेसिव प्लेयर हैं जो 180 के स्ट्राइक रेट पे, 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल सकते हैं टॉप थ्री स्पॉट्स पे. फखर जमान को आप चार पे खिला रहे हो, दैट गाय कैन कम इन प्ले विद अ गाय लाइक सैम अय्यूब. और आज ये मैच चीज देख रहा था, अहमद शहजाद ने एक बात बोली कि पीएसएल की टीम में, बाबर की टीम में किसी को नहीं खेलना. क्योंकि उनको इसीलिए नहीं खेलना क्योंकि वो प्रेशर डालते हैं दूसरे बैट्समैन पे. तो हाउ मच ट्रूथ इज दैट कि जब वो ओपन करता है टॉप ऑर्डर पे खेलता है तो दूसरे बैट्समैन पे देयर इज अ लॉट मोर प्रेशर फॉर देम टू स्कोर फास्टर. सबसे पहले, और ये मैं झूठ नहीं कह रहा, जब मैच डे था और संडे मॉर्निंग जब मैंने लाइनअप देखी तो मैंने अपने दोस्तों को कहा, मैंने मैसेज भेजा, मैंने कहा या अल्लाह इस टीम में सिर्फ दो प्रॉपर बैट्समैन है, बाकी सारे ऑलराउंडर है. इफ यू थिंक अबाउट इट, देयर आर ओनली टू प्रॉपर बैट्समैन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बाबर आजम एंड फखर जमान इन माई ओपिनियन. एक विकेट कीपर बैट्समैन है, ओके, रिजवान. उसके बाद सारे ऑलराउंडर हैं. शादाब का मुझे रोल नहीं पता, वो क्या कर रहे हैं. चले, आजम को निकाल दिया, फाइन, यू नो, उसने बड़े यू नो डिसअपॉइंट किया, टैलेंटेड बच्चा लेकिन डिसअपॉइंट किया, तो फाइन. लेकिन आपको साई अय्यूब को अंदर लाना चाहिए था यार. आई मीन, आई थिंक कंप्लीटली फ्लैबरगैस्टेड नॉट टू सी साई अय्यूब इन दिस गेम. ऐसा टैलेंट बार बार नहीं आता. एंड ऑनेस्टली, एक और बात जो मैं एक्चुअली वकार यूनुस की एको करता हूँ. वकार भाई, आई वॉज वेरी लकी. In the last couple of weeks, I got to meet a lot of these people. And when I had a dinner with Vakar Bhai, Vakar Yunus next to me, and I spoke to him about Saim. उन्होंने कहा कि साई अय्यूब ऐसा टैलेंट है जिसको आपने बस ग्रूम करना है, उसको बोला है अब तुम खेलो. वकार यूनुस के अल्फाज हैं कि ही कैन बी योर नेक्स्ट सईद अनवर. देयर विल बी सम टाइम्स कि जब वो नहीं करेगा परफॉर्म, वो डाउन होगा, अप होगा, लेकिन दैट इज वन गाय यू गॉट टू स्टिक विद. जब इतना बड़ा क्रिकेटर वकार यूनुस कह रहा है तो मेरी क्या औकात है इसमें बोलने. तो आई वॉज वेरी शॉक टू सी ओनली टू प्रॉपर बैट्समैन गोइंग अगेंस्ट इंडिया. इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में या तो आपने जो आपने टीम पिक किया है वर्ल्ड कप, बेंच पे कोई बंदा नहीं है जिसको आप कहें यार इसको खिलाना चाहिए था इसकी जगह, कोई है ही नहीं. द ओनली गाय वाज साइम एंड ही शुड हैव प्लेड इन माय ओपिनियन. आपने बैटिंग ऑर्डर की बात की है तो ये एक बड़ा टची सब्जेक्ट है सबके लिए. ये हम एज फैंस
हम भी बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि यार बाबर इन माय ओपिनियन शुड बी नंबर थ्री, बाकी उनकी अपनी मर्जी है, इज द कैप्टन. और कोई एक्सप्लोसिव बंदा, यू नो, इवन साइम अय्यूब, फखर जमान, इनको इनको ओपन करना ही चाहिए. मीन फखर इज अ नेचुरल ओपनर और ही शुड हैव ओपन, इन माय ओपिनियन. आई टोटली एग्री मैन, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी इतनी बैकवर्ड्स है फैसल भाई, cuz what they do is वो खुद 120-130 के स्ट्राइक रेट पे 14-15 ओवर तो खेल लेते हैं, और फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि लास्ट 5 ओवर्स में आके हमारे सो कॉल्ड पावर हिटर्स वो 300 के स्ट्राइक रेट पे खेल के, यू नो, 5 ओवर में 80 रन बना देंगे. आज मैं क्रिक इन्फो पे एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था उस्मान समीउद्दीन का, एंड ही हैड अ वेरी गुड पॉइंट, एंड ही सेड दैट हमारा मिडिल ऑर्डर आगे बढ़ ही नहीं सकता, बिकॉज़ आपका मिडिल ऑर्डर जब आता भी है तो उस वक्त 5-6-4 ओवर रह जाते हैं, 8 ओवर रह जाते हैं, उसमें वो उनको एक्सपीरियंस नहीं मिलता. बट यू नो दैट्स नीदर हियर नॉर देयर. आई मीन ऑब्वियसली अगर बाबर और रिजवान हमें जिता रहे हैं देन इट्स नो प्रॉब्लम. तो मिडिल ऑर्डर इसीलिए बना नहीं. आई डोंट नो व्हाई इफ्तिखार को आप क्यों इतने नीचे लेके आते हैं, कि कभी कभी तो नसीम शाहीन शाह के भी बाद में बैटिंग करने आते हैं. इफ्तिखार अगर आपके एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, क्योंकि वो बॉलिंग तो कभी कभी कराते हैं, तो उनको आना चाहिए. आई थिंक उनको 5वें से नीचे नहीं आना चाहिए था. बट ये मेरी एज अ फैन ऑब्जर्वेशन है, बाकी मुझसे बड़े बड़े माइंड लगे हुए पाकिस्तान टीम के साथ, तो लेट देम फिगर इट आउट. बैटिंग ऑर्डर उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगले मैच के लिए. या प्लस आपके पास बेंच पे गाइस लाइक सलमान अली आगा, साउथ शकील, साहिब ज़ादा फरहान, हैदर अली, you know, like, what are these guys gonna do, जो actually middle order में खेलते हैं, right? Middle order में खेलते हैं, नबील, the problem is, वो इस वक्त बेंच पे नहीं है ना, वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं. इस वक्त जो 15 की टीम है, हमें तो उसी पे फोकस करना है कि उनमें से कौन खेल सकता है. तो जो मैं बेंच पे देखता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे दो ही बैट्समैन है, आजम खान और साइम अय्यूब. दोज आर योर एक्चुअल प्योर बैट्समैन, राइट? जो भी इतने ऑलराउंडर्स हैं वो एक्चुअली बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं. तो हमारे पास बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर है. हाँ, लेकिन फैसल भाई, अब हम लोग ये, जैसे कि आपने कहा हमारे पास ये बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो ये लोग अपनी पर्सनल नीड्स के हिसाब से लोग डिसाइड कर लेते हैं, यार इनको बैटिंग ऑलराउंडर बना दो तो इनको बॉलिंग ऑलराउंडर बना दो. शादाब इन द टीम एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आया था, राइट? इफ और बॉलिंग नहीं, एज अ बॉलर आया था, बॉलिंग ऑलराउंडर भी एज अ बॉलर आया था, बाद में उसको नंबर 5 पे खिला रहे हैं इन द पाकिस्तान टीम एट अ वर्ल्ड कप. आई मीन इट डजंट मेक सेंस. नथिंग अगेंस्ट शादाब, आई मीन उसकी बैटिंग बड़ी इंप्रूव हुई है, बट स्टिल आई कंसीडर हिम एज अ bowler and we need wickets from him more than run. Yeah. वो विकेट लेके देगा तो हमारा टीम को ज्यादा फायदा होगा. रन क्या इतना उससे हमें नहीं चाहिए. We need somebody proper like a hitting type all-rounder batsman जो कि चौथे पांचवे पे आके टेम्पो को अप करे, क्योंकि बाबर ऑन 3 इज फाइन, इज परफेक्ट. वो खेलेंगे, बाबर अपने रन बनाएंगे, लेकिन somebody, we cannot have more than one barbers in the team. एक बाबर ठीक है, लेकिन बाकी अगर सारी बाबर की तरह स्ट्राइक रेट पे जाएंगे तो फिर नहीं हो सकेगा. हमें एटलीस्ट 150 टू 180 वाले कंसिस्टेंट स्ट्राइकर्स चाहिए जो टॉप 5 में खेलें, और 6-7 के लिए पोटेंशियली 200 प्लस वाले. लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई डोंट think of putting squads together like that, lekin unke apne hi issues hote hain Pakistan cricket mein. So you know, Pakistan's playing Canada tomorrow, chances kya lag rahe hain abhi Pakistan ke to qualify? I mean thode se kam chances hi hain. I mean it's, you know, hamesha hum log wo hope pe aa jate hain ki ye ho jaye, wo ho jaye, barish ho jaye, kudrat ka nizam ho jaye, so maybe Pakistan bachayega. Nahi nahi, dekhiye, agar hum Canada ki team bhi bahut achhi hai, wo US ke palle ki team hai, even though associate team hai, lekin main unki team bhi badi organized team hai. But आप एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, आपकी रैंकिंग शायद 5वीं 6ठी है, जो भी है यार, आपको तो वहां जाके इनको उड़ा देना चाहिए ऐसी टीमों को. आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाएं ना, आप बताएं आप कौन है, ना कि आप कनाडा को भी इंडिया की तरह समझ के खेलेंगे. अगर आप उनको इंडिया की तरह समझ के खेलेंगे तो फिर वही रिजल्ट आएगा. सो पाकिस्तान प्लेस कनाडा टुमारो, होपफुली यू नो एट लीस्ट दे गेट देयर फर्स्ट विन इन दिस वर्ल्ड कप, व्हिच इज द एक्सपेक्टेशन. इंशाल्लाह, यू नो, दे विल गेट देयर फर्स्ट विन. सो वी आर गोना मूव ऑन, यू नो, टॉक अ लिटिल बिट अबाउट, यू नो, वर्ल्ड कप being hosted here in the USA, Faisal bhai. Yeah. You've been here a long time. I've been here a long time. You know, we've seen club cricket. Main yahan pe 20 years se khel raha hoon club cricket. Mm-hmm. You've been playing club cricket for a long time. So, the scene of USA cricket, how would you like to explain to the viewers, you know, ke iska impact World Cup ka kitna bada hai yahan pe USA ke liye, you know, for the viewers and the cricket lovers here. Again, kudrat ka nizam hi main bolta hoon. पाकिस्तान की जो हार थी यूएसए से, शायद इट इज समथिंग मेंट टू बी, कि उसकी वजह से क्रिकेट का इतना नाम यहाँ पे एकदम से उड़ गया है, आसमान में आ गया है, कि लोग जो है यहाँ के रेगुलर फोक्स हैं, जो अमेरिकन, जिनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता, वो आके मुझे बता रहे हैं कि यार आई हैड यूएसए बीट पाकिस्तान. तो यू नो, हर नेगेटिव
तो इस वर्ल्ड कप का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं उस दिन जब पाकिस्तान आई थिंक हारने के अगले दिन मैं रेडियो स्टेशन सुन रहा था लोकल 105.3, जिसपे जिंदगी में मैं कभी क्रिकेट का सोच भी नहीं सकता था। दे वर टॉकिंग फॉर 10 मिनट स्ट्रेट अबाउट द क्रिकेट गेम, पाकिस्तान को जिस तरह यूएसए ने हराया, और वो इतने खुश थे। तो यही चीजें हमें चाहिए थी थोड़ी थोड़ी, ये जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा इवेंचुअली। तो क्रिकेट तो बहुत ही बढ़ेगी, लेकिन आई थिंक प्रोफेशनल क्रिकेट भी बढ़ेगी। तो ये इट्स ओवरऑल जस्ट अ ह्यूज इम्पैक्ट। और जैसा आपने बोला कि अमेरिकन पब्लिक हैज एंड देयर एक्चुअली आस्किंग पीपल अबाउट, सेम विद मी, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन कमिंग अप टू मी आस्किंग अबाउट यू नो द गेम इटसेल्फ, सो अवेयरनेस बढ़ रही है जस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप बीइंग हियर। तो न्यूज़पेपर में आ रहा है, यहाँ की रेगुलर न्यूज में कवरेज हो रही है, जो कि पहले हम तुम क्रिकेट खेल खेल के मर गए यहाँ पे, लेकिन कभी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और अब इट्स एक्चुअल प्रॉपर कवरेज एंड hopefully it will grow from here. अगर कोई next World Cup आता है तो मैं चाहूंगा कि वो ESPN पे आए या किसी mainstream media पे आए, ताकि लोग और देखें। That's the idea कि यहाँ पे you know youth cricketers को opportunity मिले in the future, you know एक pathway बन जाए जहाँ से they can actually go through from a particular process and actually pursue it as a career. Yeah. You know once there's opportunities there for the kids, obviously the game's gonna grow. You know America में कोई भी sport अगर professional sport बन जाता है तो यहाँ के उनके जो उस sport के जो sportsmen होते हैं they are rich beyond belief. I mean, imagine Shohei Ohtani getting what, 750 million, close exactly. to $1 billion. Jo basketball players hain, wo $50-60 million per year pe khel rahe hain. So it will take time, but agar achhe steps liye jaye to it can get there too, and then we can actually have a good pathway for a professional cricketers to take that, you know, as a line of work. Yeah, absolutely. Ab isme Faisal bhai, obviously USA cricket, right? And Major League cricket. I'm going to combine that a little bit here, kyunki obviously Major League cricket is a separate privately owned tournament, right? USA cricket ka itna bada koi stake hai nahi us cheez mein. So how does USA cricket benefit from something like that, where you know the priority is not to really focus on USA cricket, but to obviously make the revenue back of these big investors that are part of, you know, the Major League Investment Board? Well, USA cricket has already benefited from Major League. Aaj jo hum Grand Prairie Cricket Stadium jo ek khada ho gaya, that was all done by Major League people and the investors. So ab usme aap World Cup ka game hua hai, jisse USA cricket ko benefit ho raha hai, ICC ko benefit ho raha hai. So yeah, I mean it's a symbiotic relationship that it goes hand in hand. Aur main ye chahunga ki you know इनकी रिलेशनशिप और क्लोज हो और बेहतर से बेहतर हो, ताकि यहाँ के लोकल प्लेयर्स को और चांस मिले और यू नो क्रिकेट आपको यू डू हैव टू टेक योर हैट्स ऑफ टू दोस पीपल हु सॉ द हु हैड द विजन हु स्पेंट ऑल दैट मनी and took over that baseball stadium, converted that to a cricket stadium. But ek proper stadium hai. I walked on the field, I've been on it. The pitch is amazing. Grass to behtareen se bhi upar hai. Drainage, I mean, har cheez behtareen hai. Iski locker room. Very lucky to have that in Grand Prairie. Logon ne bhi bahut tareef kari hai, players that have played there. Enjoyed their time. Dallas Prairie View, not so much here in New York, in this makeshift Nassau County International Stadium. To is pitch pe, kya khayalat hai aapke? I'm sure you've watched the game, Faisal bhai. क्या लगता है पिच को देख के आप? किसी भी क्रिकेट पिच को एटलीस्ट पूरा एक सीजन लगता है सेटल होने में. क्ले पिच की बात करूं मैं, हम तो नॉर्मली तो हम उस पे खेलते हैं सीमेंट. तो आई डोंट नो, आई मीन ड्रॉप इन पिचेस यूजुअली वर्क फाइन, लेकिन मुझे नहीं पता ये ड्रॉप इन पिच कहां से लेकर आए हैं. यूजुअली अगर वो लोग ऑस्ट्रेलिया वगैरह से लाते हैं तो फिर वो पिच वैसे ही बिहेव करती है. तो आई डोंट रियली नो ये कहां से आई है. Yeah, 10 पिचेस फ्लोरिडा में बनाई थी और फिर इन्होंने ट्रेलर्स में एसेंशियली ट्रांसपोर्ट करवाया. ग्रैंड प्रेरी में जो ग्राउंड्स मैन है वो एडिलेड का है डेफिनेटली, मेरी उससे बातचीत हुई थी. तो वो तो डेफिनेटली उसने तो ग्राउंड अप से बनाई है, वही कोई ड्रॉप इन पिच नहीं है, इट्स एक्चुअल पिच देयर. अगर उसी ने ये वाली पिच भी बनाई है तो आई मीन मैं क्या कहूँ, लेकिन लुक्स लाइक अभी इतनी रेडी नहीं है ये पिच. यू नो T20 में लोग चाहते हैं यार 180-200 plus बने, तो छक्के वक्के पड़े हैं, कुछ एक्साइटमेंट हो, तो वो अभी तक इधर नहीं आ रही है. बट एटलीस्ट वी हैव क्रिकेट, आई एम वेरी हैप्पी अमेरिका में क्रिकेट आ गई है, और इंशाल्लाह ये लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, नेक्स्ट टाइम जो आएगी तो और भी बेहतर होगा. Absolutely. मुझे तो लगता है कि it actually gives a good insight कि these are the American conditions, you know, क्योंकि club cricket we played here over the years, the bush cricket pitches को ऐसी conditions have been horrible, especially here in the Northeast. Out in the West, फिर भी there's better. Yeah, you guys play on jute mats. वो तो बिल्कुल ही grass भी बहुत mats. तो हाँ यहाँ पे एटलीस्ट टेक्सास में बड़ी अच्छे फैसिलिटीज हैं, अच्छी पिचेस हैं, और प्रेरी व्यू, वी आर लकी दैट
वी आर क्लोज टू प्रेरी व्यू एंड मूसा स्टेडियम, जहाँ पे हम टर्फ पे जाके खेल के आते हैं, यू नो, ऐसी चीजें और होनी चाहिए। मैं भी अपने क्रिकेट क्लब में जो हमारा ग्राउंड है उस पे भी मैं सोच रहा हूँ कि इन द कमिंग ईयर्स टर्फ पिच डाली जाए ताकि प्लेयर्स को एक्चुअल क्रिकेट का मजा आए। Absolutely, हमने भी अपने क्लब में यही किया है, न्यू मिलफोर्ड क्रिकेट क्लब, वी लास्ट ईयर पुट आवर फर्स्ट टर्फ विकेट हियर इन कनेक्टिकट, सो हमने लास्ट ईयर डाली, इस ईयर जाके थोड़ा सेटल हुई है, वी प्लेड अ कपल ऑफ गेम्स ऑन इट, जस्ट टेक्स पैशन, यू नो, फॉर समबडी टू जस्ट बी लाइक, हे, वी आर गोना डू दिस, इट्स अ कमिटमेंट, टर्फ पिच इज अ कमिटमेंट, बट अब जिस तरह क्रिकेट जा रही है ऊपर, तो ऐसी चेंजेस लानी होंगी ताकि और बेहतर क्रिकेटर आए यूएसए के लिए। And that's what's going to get the cricket into the grassroots system, right? अगर आप सिटी के थ्रू तरह के प्रोग्राम्स करेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, maybe cricket gets into the schooling system, you do some rec programs, it helps increase the awareness. तो यूथ क्रिकेट वगैरह में आपकी फैसल भाई इन्वॉल्वमेंट है थोड़ी बहुत वहां पे, how do you see on the west side and mostly here in the US youth cricket growth and stuff like that? Youth cricket यहाँ पे exponentially grow कर रही है. I cannot tell you how many youth are actually playing cricket. There are so many academies here now in the Dallas area, जहाँ पे full time coaches होते हैं, and they are taking hundreds of kids. और उनको वो कोचिंग कर रहे हैं, और आई हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी गुड रिजल्ट्स, आई मीन यूएस की अंडर 19 में आप देखिए ऋषि रमेश खेल रहे हैं, अली यहीं का लोकल प्लेयर है, इतना अच्छा, वो बिल्कुल होम ग्रोन टैलेंट है। तो ये सब, यू नो, आसिफ मुश्तबा है यहाँ पे, बेकर है, इतने सारे अच्छे अच्छे कोचेज हैं जिनके मैं नाम लू तो कम है, लेकिन दे आर ऑल वेरी गुड, यहाँ पे तो बहुत बच्चे खेल रहे क्रिकेट। लेकिन मेरे लिए ये है कि अभी तक सारे जो बच्चे हैं वो इमिग्रेंट्स के बच्चे खेल रहे हैं। फॉर क्रिकेट टू रियली रियली ग्रो एंड द बिग मनी टू कम, वी वुड हैव टू रीच आउट टू you know, the schools and other, and get non-immigrant kids also to play. So, wo abhi thoda sa mera focus hai for next season and beyond. Conduct like cricket coaching and classes or summer sessions for school kids. Because wo awareness jab yahan ke locals mein hogi na, like people that have been here for generations and generations. Yeah. MLB ka system hai, jaise ki hum log example le lete hain. You brought up the LA Dodgers, right? Shohei Ohtani. Yeah. You know, huge contract, right, and other players that come in. You know, without ever playing a major league. You know, get humongous contract, you know, from a rookie season on. So yahan pe, because the money is there. Money is the there. Money is exactly there. Money is flowing, right? Ab ye leagues yahan pe hain. The US cricket, wouldn't it make sense to obviously get one of these big leagues to be invested in something with USA cricket? So there can be some type of a guidance to, you know, grow the system. Kyunki wo systematic, jo hume ek pathway banani hai, jaise ke baseball mein hai, you know, single A, double A, triple A. और ये कॉलेज के बाद आप ये तीन प्रोफेशनल लेवल्स क्लियर करते हो तब जाके मेजर लीग में पहुंचते हो, राइट? सो दैट सिस्टम वी कैन एक्चुअली यूज गाइडेंस इन बिल्डिंग, व्हिच आई डोंट इवन नो फॉर अप्रोचिंग out to these leagues for support and investing. Things like actually, that. ICC is very much encouraging that. ICC is really looking to invest in the schools and the grassroots ताकि एक system बने, क्योंकि I know के हम सबको ही पता है कि अमेरिका जो है cash cow है सबके लिए, और ICC की बहुत बड़ी एक target market है, and I think they are doing things right, just taking a while, but you know, World Cup आ गया है तो बाकी चीजें भी आना शुरू हो जाएंगी। या एक पाथवे होना चाहिए, अभी माइनर लीग भी है तो दैट समथिंग, फिर मेजर लीग भी है, दैट इज अनदर लेवल, और यूएस की नेशनल टीम है, तो ये तीन चीजें तो टॉप की हैं, जो बॉटम वाला लेयर है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, उसको डेवलप करना है ताकि यहाँ नीचे से ऊपर आए लोग। एब्सोल्युटली, और इसको हम लोग अब करंट सिचुएशन जो है, जैसे कि यूएसए क्रिकेट में इट सीम्स लाइक हमारे पास थोड़ी सी लेवरेज है, थोड़ा मोमेंटम भी है, यू नो, गोइंग इनटू, यू नो, मेजर लीग क्रिकेट, लेट्स से आफ्टर द वर्ल्ड कप एंड बियॉन्ड, तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यूएसए क्रिकेट इसके बाद, राइट? आफ्टर वर्ल्ड कप, आफ्टर मेजर लीग, कैसे सस्टेन करें हम लोग ये सिमिलर टाइप ऑफ सक्सेस एंड, यू नो, ऑब्वियसली कीपिंग द ऑडियंस एंगेज्ड फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ के आर वी नीड टू गेट वॉचेबिलिटी इनटू यूएसए क्रिकेट एंड अमेरिकन क्रिकेट। सो आई थिंक जो नेक्स्ट स्टेप जो लेना बहुत जरूरी है इन माय ओपिनियन इज द यूएस क्रिकेट टीम शुड स्टार्ट गोइंग ऑन टूर्स ऑफ नेशंस, लेट्स से बांग्लादेश का टूर किया, ओमान का तो जाते ही रहते हैं, अफगानिस्तान से कोई सीरीज खेल ली, वेस्ट इंडीज इज राइट हियर, यू नो, दे कैन गो, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेंगे उतना ज्यादा इनकी टीम और बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। सेकेंडली, आई थिंक दे नीड टू आइडेंटिफाई अ पूल ऑफ लाइक 50 प्लेयर्स जिसपे उनको हर वक्त काम करना चाहिए कि इन 50 में से हम अगला लेके जाएंगे।
तो अगर हम टूअर्स करते रहे तो अभी जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है मीडिया के ऊपर स्पेशली, वी कैन कैश इन ऑन दैट एंड से ओके विलो नाउ यू शो अस यू नो दिस टूर ऑफ यूएस वर्सेस न्यूजीलैंड, यू नो ये मैचेस दिखाओ. तो होते 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 छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो जाएगा, लेकिन क्रिकेट को आगे बढ़ाना है तो और क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और क्रिकेट दिखानी पड़ेगी मीडिया के ऊपर, ताकि लोगों बच्चों को इंस्पायर करें कि यार somebody wants to become like a स्टीवन टेलर जब वो बड़ा हो, या मोनाक पटेल हो, या अली खान हो, जो कि यू नो एरन जोन्स अभी तो उनका नाम बहुत ऊपर चला गया. तो यू नो दे नीड टू बी प्लेइंग, दे नीड टू स्टे इन द लाइमलाइट, दे नीड टू कंटिन्यू टू बी इन द हेडलाइन. We need heroes, you know, we need USA cricket heroes that are going to become icons. बिल्कुल. इनको बच्चे फॉलो कर सके. Obviously, Aaron Jones, you know, big name, you know, born and raised here and put American cricket on the map in this World Cup. And that innings was just sublime, man. They were actually talking about him on the radio, FM radio station. Imagine that. हमने तो कभी सोचा भी नहीं था. So, you know, need more performances like that. Upsetting Pakistan team is a huge thing. Isko cash kare US cricket. They need to cash it. Yeah, no, bilkul. Aur ye jo opportunity USA players ke paas hai, right? Because we all know the money is not lucrative within the USA cricketing system, and these pros are barely making peanuts. They have a reason to go out there and perform to the best of their abilities, you know, show the world what they can do. A guy like Aaron Jones, I'm hoping, you know, next year he's in an IPL team, gets a big major contract or a major deal, you know, in other leagues, he'll become a household name. So this opportunity that it gives to the USA player, it's really huge. But you know, that's what players that I think are playing for and are doing so well. I mean, this is their last opportunity and it's lighting a fire in their belly. I mean, Ali Khan, you know, ye hamara superstar hai. I mean, he's already played all kinds of leagues, including IPL. So it can happen. Just continue, you know, do this. Ho sakta hai. Aaron Jones is next. Apna Stephen Taylor. I mean, these are some really good players. I've seen Stephen Taylor since he was like 17, 18 years old, maybe even before. So itna usne improve, itna achha solid player hai. Kahin na kahin T20 mein kisi league ko uske to zarurat hogi. Ali Khan is already there. I mean, there's good, very good players. Saurabh, jo hamara captain hai US ka, excellent bowler. Yeah, absolutely, man. This is a good team. I mean, मुझे तो obviously Pakistan से बेहतर team लगती है, because they're mostly united और वो खेल भी रहे हैं, you know, to for a reason, for a bigger cause, it seems like. And हम लोग just seems like मुंह उठा के आ रहे हैं. US की team पे कोई pressure नहीं है, okay? There is no expectation, there is no pressure. वो एक different mindset है. पाकिस्तान की टीम के ऊपर करोड़ों लोगों का प्रेशर है. आई मीन इट्स नॉट दैट सिंपल, यू नो, बेचारे वो भी इंसान है. तो थोड़ा सा माइंडसेट का डिफरेंस है. तो आई मीन, बट एज प्रोफेशनल्स एंड एज पीपल हु हैव बीन डीलिंग विद दिस प्रेशर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई एक्सपेक्ट बेटर देन दैट. लेट्स टॉक अबाउट सम वर्ल्ड कप प्रेडिक्शंस, लाइक हु विल बी योर फाइनलिस्ट एंड हु विल विन द वर्ल्ड कप. मैं आपको बड़ी क्रेजी प्रेडिक्शन दूंगा. मुझे लगता है अफगानिस्तान जाएगा ऑल द वे टू द फाइनल, इसलिए कि उनके जो स्पिनर्स हैं दे आर जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड सेकेंडली, उनके पास पहले बैटिंग नहीं होती थी, अब गुरबाज आ गया है, वो अच्छा खासा, काश पाकिस्तान के ग्रुप में खेलता इस तरह का कोई बैट्समैन. उनके जो लूज एंड थे उसको बहुत बेहतर कर लिया है. जो मी अफगानिस्तान जाएगा और ऑस्ट्रेलिया जाएगा ऑल द वे, जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, जीतेगा ऑस्ट्रेलिया. अफगानियों का एक चीज ये है, आप देखें जो पिचेस जो अभी बन रही हैं, जो यूएसए की पिचेस ले लें और वेस्ट इंडीज की पिचेस ले लें, दे आर ऑल स्लो पिचेस, राइट? तो स्पिन होगा, इनको इनको ग्रिप मिलेगा, इनको टर्न मिलेगा. तो राशिद खान, ये लोग दे आर नॉट इजी बॉलर्स टू फेस, ओके, इन एनी कंडीशन. और फिर इन कंडीशन में तो और भी डिफिकल्ट हो जाता. तो मेरे ख्याल से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, उसके बाद आप कोई भी पिक कर लें. न्यूजीलैंड मैंने पिक की थी लेकिन वो तो हार गए. तो दैट्स अ वेरी गुड वन. आई वुड पिक देम एज द फोर्थ वन, बिकॉज वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स, मैं बहुत सालों के साथ, मैं बहुत सालों से कुछ प्लेयर्स साथ खेला भी हूँ, उनको खिलाया भी है, उनके अगेंस्ट भी खेला है. दीज गाइज आर सो पावरफुल हिटर्स. इनका कोई भी बंदा, आई थिंक 10 साल का बच्चा भी छक्के मारता है उनका. तो आई थिंक T20 के लिए वेस्ट इंडीज इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टीम. और उनका निकी पी, उनका जो कैप्टन है निकोलस पोरन, अगेन उसको मैंने तब से देखा है जब से वो 18-19 साल का था, और अब कहाँ पहुंच गया. ही इज अ ट्रेमेंडस बैट्समैन यार. आई विश के साइम अयूब उसके साथ जस्ट जुड़ जाए, उसके साथ बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे उनकी हाइट वेट पर्सनैलिटी बड़ी क्लोज लगती है.
and they also bat. I mean, they're both lefties. Nicholas Puran का मैं बहुत बहुत respect करता हूँ. फिर उनके पास you know बड़े बड़े hitters हैं. तो I think they and home conditions. So I would say yeah. But मेरा finalist Afghanistan और Australia है. मैं बहुत बहुत lucky हूँ यहाँ पे के local community में लोग मुझे बहुत जानते हैं. तो cricketing community में भी बहुत जानते हैं. और मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त बल्कि भाइयों की तरह हैं जो इंडियंस हैं. तो जब भी हमारा इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो मैं अपना फोन बंद करके बैठा था क्योंकि अगर कुछ बुरा हो तो फिर मुझको एक्सप्लेन करना होता है. मुझे लोग कह रहे होते हैं फैसल भाई आप बताएं हम ये पाकिस्तान क्यों हारा. हम फैसल भाई क्या क्या बताएं. मैं तो बट वी लव ईच अदर. यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के लोग इतने मिलजुल के रहते हैं. आई विश के पूरी दुनिया में ऐसा ही हो और मतलब मुल्क में भी ऐसे लोग रहे. आई मीन लाइक आई सेड मेरे यहाँ ना सिर्फ दोस्त हैं कुछ तो भाइयों से भी बढ़ के हैं. मैच होता है तो फिर आपस में तो चलता है ना थोड़ा बहुत. Yeah, absolutely. Well, man, you brought up a really good point, you know, because I want obviously logo ko around the world to understand ke yahan pe, you know, when we immigrated here from Pakistan, from India, from any other countries, we've all, you know, kind of left some of those pieces behind. We've kept something, lekin we've always moved forward, you know, with a lot of things. And hum log apne jaise aap keh rahe ho hamare jaise bhai jaise dost hain, right, who are always there for us whenever we need each other. So ye yahan pe in overseas, you know, Pakistani and Indians, it's a very different type of cultural and a respected relationship as opposed to Pakistan India back home jo wahan pe logon mein hoti hai thodi bahut. Wahan pe jo dynamics hai, I think wo political related hai. Wo bhi agar behtar ho jaye to I think India aur Pakistan se zyada bhai bhai koi nahi ban sakta. Wo to humne yahan pe dekh hi liya hai ki yahan pe kis tarah hota hai. To लेकिन फिर भी व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फिर तो यू नो फिर तो ऑल बेट्स आर ऑफ. लेकिन ये कि हमारे दोस्त इतने अच्छे हैं और हम आपस में इतने अच्छे कम्युनिकेट करते हैं कि यू नो मैच के बाद भी चलता है नोक झोंक. लेकिन हमको बर्दाश्त करनी पड़ती है जब पाकिस्तान हारती है तो प्लीज पाकिस्तान आप लोग प्लीज जीत लिया करें ताकि थोड़ा हम भी आगे बढ़ के लोगों के साथ करें. वही ना हम लोग भी मुंह छुपाना पड़ता है बस. और क्या करें, स्पोर्ट्स राइट और द गेम. या जितने टीम हारती है और प्लस जब आपको एक फीलिंग आ जाए यार हम लोग ये मैच जीत सकते हैं उसके बाद आप जब हारते तो हर्ट्स. क्योंकि हम तुम्हें तो समझ ही नहीं आया कि हम हारे ही क्यों. जब लास्ट ओवर आया और इतने सारे रन रह गए मैंने कहा वाह ये तो हम एक्चुअली हार रहे हैं. बट कल मैं रिजवान के शॉट से बड़ा शॉक था कि उन्होंने इतनी 35-40 बॉलें खेल ली थी. उनका फर्स्ट था कि गेम को फिनिश करके ही आते और वो जो शॉट उन्होंने खेला है वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि दुनिया के नंबर वन बॉलर बुमराह को आपने अक्रॉस द लाइन झाड़ू मारने की कोशिश की जो कि It would always end badly for you. Last World Cup में भी out कर चुका था उसे और there was no need. थोड़ा सा दिमाग use करना चाहिए था वहाँ पे क्योंकि it was a game of one shot. एक shot आप अगले bowler को भी लगा सकते थे अगले over. पाकिस्तान की टीम अगर total दो boundary और मार लेती ना एक छक्का एक चौका कहीं पे भी लग जाता. दो boundary और जो नसीम ने मारी है दो कोई और मार लेता तो हम जीत जाते. यार दो boundary मारना क्या मुश्किल है अगर आप 35-40 बॉलें खेल गए तो. लेकिन वो इंटेंट दिखा है ना किसी से फैसल भाई वो नसीम जब आया तब उससे थोड़ा इंटेंट दिखा है भाई कि ये बल्ला घुमा रहा है. आपका इमाद वो पता नहीं क्या शॉट खेले जा रहा है पॉइंट पे और इफ्तिखार का पता नहीं क्या कर रहा है. मैं इमाद को बहुत बैक करता हूँ. आई थिंक इसकी बॉलिंग इज अनबिलीवेबली गुड और बैटिंग भी अच्छी करता है. लेकिन आई डोंट नो क्या था वो कट लगा ही नहीं उससे. तीन बॉलें चार बॉलें डॉट खेल के तो मुझे नहीं मालूम. आई मीन एट दिस लेवल एंड अ प्रोफेशनल लेवल यू शुड हैव अ प्लान बी के भाई अगर बॉलर यहाँ कर रहा है तो मैंने करना क्या. फील्ड को आप एनालाइज करें गैप्स देखें और उन गैप्स को यूटिलाइज करें. यार सिंगल डबल में जीत जाते हैं. आई मीन वी वर ओनली चेसिंग 119. एग्जैक्टली आई थिंक वो मिडिल स्पेशली 12 से जो 16-17 ओवर्स थे वहीं पे हमने पूरी गेम हारी है क्योंकि थोड़ा सा वहां पे कोई इंटेंट दिखा देता 10-15 रन कोई बना देता गेम वहां पे फिनिश थी. और ये नोबडी टिमिड एज यू मेंशन सब टिमिड डर के खेलते थे. जब फखर आया था आई थॉट ही इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग ही इज गोइंग टू चेंज द गेम एंड वी विल विन विद 3-4 ओवर्स टू गो. वो भी थोड़ा सा गलत शॉट पे आउट हुए. क्या करें. आई थिंक कितने सारे लोग शॉर्ट पिच बॉल पे आउट हुए हैं पीछे विकेट कीपर वो पैंट ने पकड़ो. यू नो सम एंडिंग थॉट्स देयर व्हाट आर यू सीइंग फॉर द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट ग्लोबली एंड इंक्लूसिविटी वाइज. वेल ग्लोबली तो मैं नहीं कह सकता कुछ क्योंकि यू नो वो आईसीसी आई स्टिल थिंक उन्होंने इसको बहुत ही दबा के रखा हुआ है. वी शुड अलाउ ऑल द नेशंस टू बी यू नो एज मेनी नेशंस टू टेक पार्ट इन द वर्ल्ड कप एज पॉसिबल. लेकिन
उनका ऑब्वियसली कोई प्लान है, दैट्स गुड, बट मैं यूएस की बात कर सकता हूँ. यहाँ पे तो गेम बहुत बहुत आगे जाएगा, और एज सून एज अगली एक दो जनरेशन जो यहाँ की जिन्होंने कभी क्रिकेट का सोचा भी नहीं था वो लोग आ गए, तो इन लोग के यहाँ पे जो अमेरिकन जो एथलीट्स होते हैं, अगर आप सोचो कि कोई कोबी ब्रायंट जैसा एथलीट क्रिकेट में आ गया, या कोई तो क्रिकेट यहाँ के एथलीट्स तो उनके पास तो सब कुछ है, फैसिलिटीज है, ट्रेनिंग है, आई मीन साइंस है, हर चीज है, एबिलिटी है. कोबी ब्रायंट का तो मैंने एक नाम लिया, यू नो समबडी लाइक दैट, इफ एन एथलीट लाइक हिम टुक अप क्रिकेट, देन हमारे पाकिस्तान में जो लड़के होते हैं obviously उनको ऐसे they just pluck him out of the gowns and the villages and they're just brought up in front of the world without really educating them to a certain level. So Faisal bhai, any final thoughts, man, before we sign off? कुदरत का निजाम, final thought, कुदरत का निजाम, हमें मजीद जिल्लत से बचा ले, हमको अपना मुंह दिखाने के काबिल करे, और अल्लाह करे आगे चले. Inshallah. So, you know, that's what we're going to end with. Faisal bhai, thank you so much for joining me on the podcast. Thanks, man, for having me. You know, guys, thank you so much for watching. Until next time, Faisal bhai, Akhtar Nabeel Khan from the Reverse Coupe signing off. Have a great night, everybody.